वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलीनोमियल का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भले सीरीज में हमने डिस्कस किया था जीरोज फ्रॉम द ग्राफ, जीरोज हम ग्राफ से हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। उसके लिए फर्दर डिटेल के लिए आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम डिस्कस करते हैं जीरोज। क्वेश्चन यहां पर आता है व्हाट इज द जीरोज, जीरोज है क्या? जीरोज इज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू व्हेन वी पुट इन द पॉलीनोमियल यू गेट जीरो। जीरोज क्या है? जीरोज इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच बी पुट इन पॉलीनोमियल गिवन पॉलीनोमियल यू गेट जीरो, सो बी कॉल्ड जीरोज। इसलिए हम उसको जीरोज कहते हैं। क्यों कहते हैं हम उसको जीरोज? जब हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को पॉलीनोमियल में रखते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है, इसलिए हम उसको जीरोज कहते हैं। ओके, अब मैं यहां पर ले रहा हूं एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आपने 9th में भी पढ़ा है अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोज है, इसके दो जीरोज है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो हम सम ऑफ जीरोज लिख रहे हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी अपॉन ए, इट इज द सम ऑफ जीरोज एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए ही क्यों होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए ही क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 8th क्लास में, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां पर मैं ए के प्लेस पर अल्फा लिख ले रहा हूं और बी के प्लेस पर बीटा, तो मेरी यह आइडेंटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें कन्वर्ट हो गई। ओके, अब यहां पर जो हमारा पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पहले से गिवन है हम वहां पर आते हैं। इसमें से आप a कॉमन ले लो, आप जब इसमें से a कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मीन्स होता है सिंपली डिवाइड करना, तो डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। आफ्टर दैट अब आप इसकी और इसकी दोनों की आप इक्वेटिंग कर सकते हो, ऑन इक्वेटिंग, इक्वेटिंग करने पर आपको क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास है वो आपको सिंपली क्या मिलेगा? माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा आपको क्या मिलेगा? सी अपॉन ए। दैट इज द सम ऑफ जीरोज एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया कि सम ऑफ जीरोज हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए क्यों होता है, वो हमने यहां पर डिक्टेट किया। आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो इसी पर बेस्ड है। लेट्स मूव फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, फाइंड जीरोज। पहले तो आपको इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं और एंड वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप किस किस का, जीरोज का और कोफिशियंट्स का। तो पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट करते हैं बाई द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाई फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एट क्या फैक्टर करोगे? फोर टू जा एट, तो फोर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस एट। यहां पर आपने फैक्टर किसके किए थे? एट के किए थे, और एट के जो फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं वो आपके फोर इंटू टू हो सकता है, 2 इंटू फोर हो सकता है, 1 इंटू एट भी हो सकता है, और 8 इंटू वन। अब इनमें से वो पेयर आपको लेने हैं जिनको माइनस करने पर आपको 2 मिलेगा, तो वो केवल आपके पास कौन सा फैक्टर है? 4 और 2, इसको माइनस आप करोगे तो आपको 2 मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पर 2 के प्लेस पर क्या लिखा है? 4 माइनस 2 लिखा है, और x एज इट इज माइनस 8। ओके,
तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स एट, टू टू के पेयर आपने बना लिए, x कॉमन, यू गेट x माइनस फोर प्लस टू कॉमन x माइनस फोर, यू गेट x माइनस फोर एंड x प्लस टू। कीप इन माइंड बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, अगर आपकी ब्रैकेट सेम नहीं है दैट मींस आपने फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक की है, आप उसको दोबारा से चेक करेंगे। तो x माइनस फोर एंड x प्लस टू यू गेट, इफ x माइनस फोर इक्वल टू जीरो यू गेट x इक्वल टू फोर, एंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो यू गेट x इक्वल टू माइनस टू, दैट इज द जीरोज, लेट इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा। तो जीरोज आपके कौन से हो गए, जीरोज आर फोर एंड माइनस टू। अब हम इसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप विद जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो उसके लिए जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है गिवन पॉलिनोमियल, उसकी आप इक्वेटिंग करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा जनरल पॉलिनोमियल है उसकी इक्वेटिंग जब इसके साथ आप करोगे तो आपको मिलेगा ए इक्वल्स टू वन, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर से पहले वन है, बी इक्वल्स टू माइनस टू एंड सी इक्वल्स टू माइनस एट। अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वेरीफाई। तो अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फा आपके पास फोर है और बीटा आपके पास माइनस टू है, तो यहां रखते हैं अल्फा फोर प्लस बीटा क्या हो गया माइनस टू, इक्वल में क्या आ गया आपका फोर माइनस टू दैट इज टू, क्लियर, ये आपका टू आ गया, फोर आपका ये आ गया और माइनस टू ये आ गया, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया फोर माइनस टू। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस फिर अगेन माइनस टू अपॉन वन, रीजन ये माइनस और ये माइनस टू आपका क्या है, ये माइनस टू जो आपका है बी है और वन आपका क्या है यहां से देख सकते हो, और ए आपका क्या है वन है, तो इसको हम बी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप विद द कोफिशियंट, ये आपके कोफिशियंट थे ए वन और बी माइनस टू। सिमिलरली आप अल्फा इंटू बीटा आप फाइंड आउट करोगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपके पास कितना है फोर है और बीटा आपके पास माइनस टू है, तो यू गेट माइनस एट, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एट अपॉन वन, रीजन ये माइनस एट आपकी सी की वैल्यू है और ए आपका वन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हम वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा वन अपॉन फोर एंड अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पहले से गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल क्या होगा, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा हमारे पास माइनस वन है जो कि होता है सी अपॉन ए, तो यहां से आपको इक्वेटिंग करने पर आपको वैल्यूज जो मिलेंगी उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से वन अपॉन फोर को आप लिख सकते हो वन अपॉन फोर अपॉन में वन, आप इक्वेटिंग करो बोथ साइड दोनों फैक्टर में ऑन इक्वेटिंग आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, यहां से ए वन है यहां भी ए वन है ए इक्वल टू वन, एंड बी इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का वन अपॉन फोर, यहां से माइनस का वन अपॉन फोर मिल रहा है क्लियरली, इट इज द बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर एंड सी माइनस वन, सी इक्वल टू माइनस वन। पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ए इज वन प्लस बी माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस सी माइनस वन, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस फोर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा
डिवाइड ऑफ वन पॉलिनोमियल टू अनदर पॉलिनोमियल।